हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हुए माइनर्स एंड को फैक्टर्स निकालना सीखेंगे विद एग्जांपल्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट्स फ्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। What are minors? Minors क्या होते हैं? Minors हम किसी भी determinant का निकालते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, determinant के किसी element का हम minor निकालेंगे। Suppose a i j कोई element है determinant में, इसका हमें minor निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो a i j का मतलब क्या है, ith row का element है and jth column का element है, यही मतलब हुआ a i j का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आईएथ रो को डिलीट कर देना है और जेएथ कॉलम को डिलीट कर देना है और जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज लिख लीजिए और उसका डिटरमिनेंट निकालना है। सो वो हमारा क्या होगा, माइनर। सो ए आई जे का माइनर अगर हम निकालेंगे उसको कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम ए आई जे, ठीक है। माइनर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, जिस भी एलिमेंट का निकाल रहे हैं, यहाँ पे आई जे मीन्स आईएथ रो जेएथ कॉलम के एलिमेंट का निकाल रहे हैं, सो माइनर भी क्या होगा, कैपिटल एम आईएथ रो जेएथ कॉलम। सो यही मैंने लिखा है, माइनर हम किसी भी एलिमेंट का निकालेंगे एआईजी ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ डिटरमिनेंट, ठीक है। वो कैसे आएगा, बाय डिलीटिंग आईएथ रो एंड जेएथ कॉलम इन विच द एलिमेंट एआईजी लाइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल जो देखू तो ए मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली जिसके एलिमेंट है ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन, ए वन टू, ए टू टू, ए थ्री टू, ए वन थ्री, ए टू थ्री, ए थ्री थ्री, ये इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर मुझे माइनर निकालना है A11 का माइनर निकालना है, मीन्स M11 निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी के एलिमेंट्स लिख लो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। सो बाकी के एलिमेंट्स क्या बने, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ए टू टू, ए थ्री टू, ए टू थ्री, ए थ्री थ्री, ठीक है। ये एलिमेंट्स बचे, इनको ऐसे एज इट इज लिख लो और इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। ये हमारा क्या होगा, माइनर A11 एलिमेंट का, ठीक है। सो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, A22 इनटू A33 माइनस A32 इनटू A23, ठीक है। डिटरमिनेंट हमें निकालना आता है। ऐसे ही अगर मुझे A12 का माइनर निकालना हो, A12 का माइनर मीन्स M ऑफ 12, सो मुझे क्या करना है, इस केस में 1 2 means first row को डिलीट करना है और सेकेंड कॉलम को डिलीट करना है। सो बाकी के ये एलिमेंट्स बचे मेरे, ये एलिमेंट्स इनको एज इट इज लिख लो इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, A21, A31, A23, A33, इनका डिटर्मिनेंट निकालो। इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, क्लियर। सो माइनर निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि आपको जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है वो एलिमेंट कहाँ है वो उसकी रो और कॉलम को डिलीट करके बाकी के एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट लिख लो और उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, ठीक है। अब देखो, ये जो मेरी मैट्रिक्स थी ये 3x3 की थी, ऑफ ऑर्डर 3 की थी। जब हम माइनर निकालते हैं जो मैट्रिक्स बचती है वो किस ऑर्डर की बचती है, उससे एक कम ऑर्डर। ये 3x3 की थी तो हमने एक रो और एक कॉलम डिलीट कर दिया, सो बची जो मेरी मैट्रिक्स वो किस ऑर्डर की बची, ऑफ ऑर्डर 2, क्लियर। सो यही मेरा नोट है, अगर हम किसी डिटरमिनेंट में किसी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं सो उसका ऑर्डर क्या होगा, अगर मेरा डिटरमिनेंट का ऑर्डर है n, मीन्स n क्रॉस n है मैट्रिक्स, तो माइनर अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, रो और कॉलम हम डिलीट कर देंगे, मीन्स n माइनस 1 ऑर्डर हो जाएगा उस डिटरमिनेंट का, है ना, हमने देखा था। माइनर किसी भी एलिमेंट का निकालेंगे ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर एन,
ये ध्यान रखना जो हम डिटरमाइनर निकालेंगे तो वो जो डिटरमिनेंट है उसका ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, मींस n इक्वल्स टू 1 पे ये कंडीशन फेल हो जाएगी। अगर डिटरमिनेंट का ऑर्डर n इक्वल्स टू 1 है तो वहां पर हम माइनर की बात नहीं कर सकते। सो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, मींस जो ऑर्डर है उस डिटरमिनेंट का या तो 2 हो या उससे बड़ा हो, ठीक है। सो अगर n है डिटरमिनेंट का ऑर्डर, सो अगर किसी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, n माइनस 1, ठीक है, क्योंकि हम उस एलिमेंट की ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देते हैं, सो इसलिए एक ऑर्डर कम हो जाता है जब हम माइनर निकालते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमें माइनर निकालना है एलिमेंट 6 का, ठीक है। सबसे पहले तो 6 के एलिमेंट की पोजिशन देखो, कौन सी रो कौन सी कॉलम में लाई कर रहा है, जो 6 है हमारा वो किस रो में लाई कर रहा है, सेकेंड रो में, एलिमेंट 6 लाइज इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है, तो हमें क्या करना है, सेकेंड रो को डिलीट कर देना है और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है, ठीक है। सो m क्या आ जाएगा, 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये क्या होगा मेरा डिटरमिनेंट, निकाल लो बाकी का, 1 7 2 8, ठीक है। ये डिटरमिनेंट किस ऑर्डर का था, ऑफ ऑर्डर 3, सो जो हमारा रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, n माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1 हमारा क्या होगा, क्या ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। आप सिंपली इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ये क्या होगा मेरा 1 × 8 − 2 × 7, दैट इज 8 − 14 6, सो मेरा m 2 3 क्या आ गया 6, मींस माइनर एलिमेंट 6 का क्या आ गया मेरा 6, माइनर निकालना आ गया। नेक्स्ट आता है कोफैक्टर, कोफैक्टर के लिए माइनर समझना जरूरी है, ठीक है। कोफैक्टर में भी हमें माइनर ही निकालना होता है, बस एक छोटा सा चेंज करना होता है। तो सबसे पहले कोफैक्टर के कैसे डिनोट करते हैं वो देखते हैं। कोफैक्टर भी हम किसी एलिमेंट का निकालेंगे, डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का, सपोज मैंने aij एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, सो कोफैक्टर को मैं डिनोट करूंगी कैपिटल A से, क्योंकि aij एलिमेंट का निकालना है, सो कैपिटल aij, ठीक है। माइनर को हमने डिनोट किया था कैपिटल M से, aij एलिमेंट का निकालना था मींस कैपिटल MIJ, ठीक है। सो aij क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा, माइनर तो हमें निकालना ही है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 1 पार जो रो और कॉलम है उनका एडिशन, ठीक है। मान लो a 2 3 है, सो हम क्या करेंगे, माइनस 1 पार 2 प्लस 3 m 2 3। माइनर कैसे निकालते हैं पता है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है, बाकी के डिटरमिनेंट निकाल लेना है। सो ये मेरा क्या आ गया, माइनस 1 पार 5 क्या होगा, माइनस 1, सो माइनस m 2 3 आ गया, ठीक है। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि हमें माइनस 1 पार रो प्लस कॉलम करना है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर मेरी कोई ए मैट्रिक्स है, a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33, ठीक है, क्लियर। अब हमें निकालना है कोफैक्टर, हमने डिटरमिनेंट लिया है, ये डिटरमिनेंट की बात कर, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लीजिए इसको। अब हमें निकालना है कोफैक्टर, कोफैक्टर हमें किसी एलिमेंट का निकालना होता है, सपोज मुझे कोफैक्टर निकालना है a22 मींस सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, इस एलिमेंट का मुझे निकालना है कोफैक्टर, सो वो मेरा क्या होगा, माइनस 1 पार 2 प्लस 2 रो प्लस कॉलम करना है, 2 प्लस 2 इंटू m 22, ठीक है। अब m 22 क्या होता है, तो ये मेरा क्या आ गया, माइनस 1 पार 4 क्या होगा, 1 ओनली, सो सिंपली m 22 आ गया। अब m 22 हम कैसे निकालते हैं, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, बाकी के एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, मींस a11 a31 a13 a33 निकाल लेंगे। ये डिटरमिनेंट किस ऑर्डर का है, 3, जो हमारा रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट आया किस ऑर्डर का आया, 2, सो ये मेरा क्या आ गया, a11 into a33
माइनस ए थ्री वन इंटू ए वन थ्री। सिंपल, इसमें माइनर ही होता है, बस ये कंडीशन है माइनस वन पर रो प्लस कॉलम करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। 2 × 2 ऑफ ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, सभी एलिमेंट्स का माइनर्स एंड को फैक्टर्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनस निकाल लेते हैं, क्योंकि को फैक्टर निकालने के लिए भी हमें माइनस की जरूरत होगी, राइट। सो हमें पता है दैट माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम आई जे। ए आई जे एलिमेंट का माइनर हम कैपिटल एम आई जे से डिनोट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे एम वन वन। ठीक है, एम वन वन मीन्स दिस एलिमेंट। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो डिलीट करनी है, फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। क्या एलिमेंट बचा मेरा, थ्री। थ्री का डिटर्मिनेंट क्या होगा, थ्री ओनली। एम टू वन, एम टू वन कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। सो हमें क्या करना है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट कर देनी है। क्या बचा मेरा, माइनस टू। माइनस टू का डिटर्मिनेंट माइनस टू। एम वन टू, एम वन टू मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। फर्स्ट रो डिलीट कर दो, सेकेंड कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा मेरा, फोर। फोर का डिटर्मिनेंट फोर। एम टू टू, एम टू टू मीन्स सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, दैट इज थ्री। सो ये वाली रो और ये वाली कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा मेरा, वन। वन का डिटर्मिनेंट दैट इज वन। सो माइनस आ गए। को फैक्टर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। सो ए वन वन, ए टू वन, ए वन टू, ए टू टू। ठीक है, ये निकालने हैं हमें चारों एलिमेंट के। सो क्या होता है, माइनस वन पार रो प्लस कॉलम, दैट इज वन प्लस वन इंटू एम वन वन। माइनस वन पार टू प्लस वन इंटू एम टू वन। माइनस वन पार वन प्लस टू इंटू एम वन टू। माइनस वन पार टू प्लस टू इंटू एम टू टू। यही होता था कोफैक्टर्स। माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ओनली। सो सिंपली एम वन वन आ गया। माइनस वन का क्यूब माइनस वन, सो माइनस एम टू वन आ गया। माइनस वन का क्यूब दैट इज माइनस वन, सो माइनस वन एम वन टू आ गया। माइनस वन का फोर पार फोर कितना होगा, वन ओनली। सो ये आ गया, और इन चारों की वैल्यू मैंने निकाल ले ली है। ये है इनकी वैल्यूज। सो एम वन वन क्या है मेरा, थ्री। एम टू वन क्या है मेरा, माइनस टू। माइनस इंटू माइनस टू क्या हो गया, टू। एम वन टू क्या है मेरा, फोर, और यहां पे माइनस है तो माइनस फोर। एम टू टू क्या है मेरा, वन। सो ये मेरे क्या आ गए, को फैक्टर। सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें भी सभी एलिमेंट्स के माइनस एंड को फैक्टर्स निकालने हैं। पहले जो हमने एग्जाम्पल किया वो डिटर्मिनेंट था ऑफ ऑर्डर टू का। ये डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का है, ऑफ ऑर्डर थ्री। थ्री रोज है, थ्री कॉलम्स है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माइनस। तो माइनस के लिए क्या करें, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माइनस। तो माइनस निकालते हैं, एम वन वन निकालेंगे, उसके बाद सेकेंड एम टू वन, एम थ्री वन। ठीक है, एम इसका क्या है, वन टू। एम टू टू, एम थ्री टू, देन एम वन थ्री, एम टू थ्री, एम थ्री थ्री। सबके माइनस निकालेंगे। सबसे पहले एम वन वन मीन्स हमें क्या डिलीट करनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर हम डिलीट करें, ये वाले एलिमेंट्स बचे, डिटर्मिनेंट निकालो इनका, जीरो फाइव फोर माइनस सेवन। ठीक है, सिमिलरली एम टू वन मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करो। कौन से एलिमेंट्स बचे, माइनस थ्री फाइव फाइव माइनस सेवन, सीरियलिटी से लिखने हैं। एम थ्री वन मीन्स थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, क्या एलिमेंट्स बचे, माइनस थ्री जीरो फाइव फोर। एम वन टू मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट करो, क्या बचा मेरा, सिक्स वन फोर माइनस सेवन,
6, 1, 4, -7. M22 means second row and second column delete करो. क्या elements बचे मेरे? 2, 1, 5, -7. 2, 1, 5, -7. M32 means third row and second column delete करो. क्या elements बचे मेरे? 2, 6, 5, 4. M13 means first row and third column delete करो. क्या elements बचे? 6, 1, 0, 5. 6, 1, 0, 5. M23 means second row and third column delete करो. क्या elements बचे मेरे? 2, 1, -3, 5. 2, 1, -3, 5. M33 means third row and third column delete करो. क्या elements बचे मेरे? 2, 6, -3, 0. Simply इसका determinant निकालना है. So ये क्या हो जाएगा? 0 × -7, that is 0. 5 × 4, that is 20. So, ये मेरा क्या आ गया? -20. ठीक है? ये, -3 × -7, that is 21. -5 × 5, 25. So, ये मेरा क्या आ गया? -4. ये, -3 × 4, -12. -0 × 5, 0. So, ये मेरा क्या आ गया? -12. 6 × -7, -42. -1 × 4, that is 4. So, ये क्या आ गया? -46. 2 × -7, that is -14. -1 × 5, that is 5. So, ये मेरा क्या आ गया? -19. 2 × 8, 2 × 4, 8. -6 × 5, 30. So, ये मेरा क्या आ गया? 22, -22. 6 × 5, 30. -1 × 0, 0. So, ये मेरा क्या आ गया? 30. 2 × 5, 10. -1 × -3, that is -3. So, ये क्या आ गया? 13. 2 × 0, 0. -6 × -3, -18. So, ये मेरा क्या आ गया? 18. So, मेरे माइनस ये आए थे, मैंने निकाला था. अब मैं कोफैक्टर्स निकालूंगी. ठीक है, कोफैक्टर्स के लिए क्या करना है? सो M11 है, सो कोफैक्टर निकालूंगी A11. A11 का मतलब क्या होता है? -1 / 1 + 1 × M11, है ना? सो ये मेरा क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू -1² क्या होगा? 1. और M11 मेरा क्या है? -20. सो A11 क्या आ गया मेरा? -20. सेकेंड A21 माइनर था, सो M21 माइनर था सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का. सो A21 क्या होगा? -1 / 2 + 1 × M21, दैट इज -1 का क्यूब क्या होता है? माइनस. एंड M21 क्या है? -4. सो -4, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. तो ये क्या हो गया? 4. ठीक है, M31 था मेरा -12. सो A31 क्या हो जाएगा मेरा? -1 / 3 + 1 × M31. -1 / 4 क्या होता है? 1. M31 क्या है मेरा? -12. ऐसे ही A12 निकालो. A12 क्या होगा? -1 / 1 + 2 × M12. -1 का क्यूब क्या होता है? -1. M21 क्या है मेरा? -46. So, ये मेरा सिंपली क्या आ गया? 46. A22 क्या होगा? -1 / 2 + 2 × M22. -1 / 4 क्या होता है? 1. M22 क्या है मेरा? -19. A32 क्या होगा? -1 / 3 + 2 × M32. -1 / 5 क्या होगा? -1. M32 क्या है मेरा? -22. So, ये मेरा क्या आ गया? 22. A13 क्या होगा? -1 / 1 + 3 × M13. -1 / 4 क्या होगा? 1 only. M13 क्या है? 30.
सो ये मेरा आ गया 30। एम 23 निकाला था, अब ए 23 निकालो। ए 23 क्या होगा, माइनस 1 पार 2 प्लस 3 इंटू एम 23। माइनस 1 पार 5 क्या होता है, माइनस 1। एम 23 क्या है, 13, सो ये आ गया माइनस 13। ए 33 क्या होगा, माइनस 1 पार 3 प्लस 3 इंटू एम 33। माइनस 1 पार 6 क्या होता है, 1। एम 33 क्या है, 18, सो ये आ गया 18। सो आपको सारे माइनस मिल गए सभी एलिमेंट्स के। कितने एलिमेंट्स है टोटल इस डिटर्मिनेंट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है। 9 एलिमेंट्स के आपको माइनस मिल गए, कोफैक्टर्स मिल गए, सो ये आपका आंसर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे विद एग्जांपल्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी सजेशंस हो सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप भेज सकते हैं अपने डाउट्स मेरे फेसबुक पेज पर, या आप मुझे मेल कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन, बाय बाय।